नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपके साथ मैं हूं मोनू सहल, मेरे साथ अंकिता भी मौजूद है इस लाइव में। और इंडिया जो पहला टेस्ट था सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका अगेंस्ट, वो एक पारी और 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा है, यानी कि एक करारी हार, एक शर्मनाक हार टीम इंडिया के लिए अंकिता। और लगा नहीं था किस तरीके से टीम इंडिया सरेंडर कर देगा आपके सारे बैट्समैन, क्योंकि देखिए जब आपने एक अच्छा डिसीजन था साउथ अफ्रीका का, उन्होंने टॉस जीता और उसके बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और कुछ हद तक ठीक भी था, जैसे उन्होंने नई गेंद के साथ शुरुआत की। लेकिन इंडिया के लिए कहां आपको लगता है कहां हारे हम लोग? देखिए मोनू, कई सारे ऐसे पॉइंट्स रहे हैं, कई सारे ऐसे लूप होल्स रहे हैं जहां पर टीम इंडिया को एक अच्छी बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। साथ ही साथ हमने देखा था कि पहले इनिंग में जिस तरीके से हमारे ओपनर्स ने सरेंडर किया है गेम को, चाहे वो शुभमन गिल हो चाहे वो कप्तान रोहित शर्मा हो, जहां पर एक अच्छी अप्रोच की जरूरत होती है, जहां पर हमने देखा है कि टेस्ट मैच को यहां पर T20 की तरह खेला गया। आपको टेस्ट मैच को एक अच्छा स्कोर पर तब्दील करने की जरूरत नहीं होती, आपको आराम से खेलने की जरूरत होती है। वहां पर रोहित शर्मा जो है वो वीक नजर आए, 5 रन पर वो आउट हुए। इसके अलावा शुभमन गिल भी कमाल का प्रदर्शन नहीं कर पाए। जायसवाल, जिनके लिए हम कहते हैं कि टेस्ट मैच में उन्होंने शतकीय पारी खेली थी, और यहाँ पर उनका बल्ला नहीं चला, तो हमारे ओपनर्स ने कहीं ना कहीं गेम को बिगाड़ा है। इसके अलावा पहली इनिंग में मैं बात करूं तो केएल राहुल ने अच्छा प्रदर्शन किया था, 101 रनों की शानदार पारी खेली थी, लेकिन यहाँ पर 6 रन पर आउट हो गए वो, ये शायद थोड़ी सी तकलीफ वाली बात होगी। बिल्कुल तकलीफ वाली, और तकलीफ इससे ज्यादा बड़ी मुझे ये लगी यार अंकिता, सपना टूट गया यार, क्योंकि हमने सोचा साउथ अफ्रीका को पहली बार हम टेस्ट सीरीज में हराएंगे, लेकिन वो सपना सपना ही रह गया यार। क्योंकि देखिए अब अगला मैच अगर आप जीतोगे तब भी आप हरा नहीं पाओगे, सिर्फ बराबर कर सकते हो सीरीज, ड्रॉ करा लिया तब आप वैसी सीरीज हार जाओगे 1-0 से। सो आई थिंक जो इंडिया लेकर चला था, जो आपके रोहित शर्मा कैप्टन थे, अब बिल्कुल ये बात हो रही थी, थोड़ी सी मायूसी है, मायूसी इसलिए है क्योंकि देखिए 31 साल का जो सपना था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इस बार शायद रोहित शर्मा जिस अप्रोच में नजर आ रहे थे, टीम इंडिया बैलेंस नजर आ रही थी, शायद यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी होगी, अच्छी गेंदबाजी होगी, लेकिन वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। गेंदबाजी की भी मोनू मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि एक वक्त था जहां पर सरेंडर करती नजर आई थी साउथ अफ्रीका की टीम, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी डीन एल्गर की, जिन्होंने कमाल की इनिंग खेली, 185 रन बनाए और 408 पहली इनिंग में लगा दिए थे बोर्ड पे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस मैच का अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि टीम इंडिया ने पहले बैटिंग की एक ऐसी विकेट के ऊपर जो बिल्कुल फ्रेश विकेट था, जहां से गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है, क्योंकि सेंचुरियन का मैदान आपको याद होगा, जहां पर पेस होगा, बाउंस होगा, और ऐसे में इंडियन टीम का जो रियल टेस्ट होने वाला था। अब ऐसे शुभमन गिल हो, जायसवाल हो, बिल्कुल गेंद को दूर खेलने का प्रयास किया बॉडी से, जब आप गेंद को दूर खेलते हैं ओवरसीज कंडीशन में तो आपके सामने कई सारे टफ चैलेंज होंगे, और वहां पर कगिसो रबाडा एक ऐसे गेंदबाज जिन्होंने आपको टेस्ट किया, लेकिन एक बात तो की थी अंकिता कि आप टेस्ट में फेल हो गए यार, आपकी तकनीक उतनी अच्छी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। अब मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ पर आपको ना कहीं ना कहीं चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की कमी खली है, क्योंकि वो उनमें जो तकनीक थी उनका अच्छा मौका मिला था, आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी, समवन लाइक जायसवाल के लिए अच्छी थी, शुभमन गिल के लिए अच्छी थी, आपके केएल राहुल ने उस अपॉर्चुनिटी को अच्छा भुनाया, क्योंकि आप एक स्टेज देखिए जब टॉस जीता और इंडिया के 24 पर 3 आउट हो गए थे, वहां से 26 पर 6 आउट हो गए थे, तो केएल राहुल ने टेल के साथ मिलकर जो पारी खेली जाए थी उसका कोई मोल नहीं है भाई, वो सबसे बेस्ट इनिंग थी मैं ये कहूंगा, क्योंकि आज विराट कोहली की तारीफ करनी भी बनती है। लेकिन जो फर्स्ट इनिंग की आपने बात की ना, और वहां सुनील गावस्कर ने कहा, देखिए द ग्रेट सुनील गावस्कर, उन्होंने कहा कि मैं टॉप 10 में इसको इनिंग को रेट करूंगा, क्यों? क्योंकि केएल राहुल ने एक ऐसे मुश्किल वक्त में उस पारी खेली और उसी के दम पर टीम इंडिया 245 बनाए, अब 245 बन गए थे, इंडिया के पास मौका था, आपके गेंदबाजों के पास, कि वो कमबैक कराएं, उन्होंने शुरुआती विकेट ले लिया था मार्करम का, लेकिन उसके बाद 11 पे एक विकेट थे उनके, 11 पे एक आउट हो गया था, लेकिन उसके बाद क्या किया आपने, आपने डीन एल्गर एक सेट बैट्समैन, लेकिन लंच हो गया था 49/1 था एक स्टेज पर, कल जब दूसरा दिन था 49/1 था साउथ अफ्रीका, लेकिन जब आप लंच के बाद आई ये गलती की अंकिता, गलती ये की उन्होंने कि आपने दोनों एंड से ना सिराज और बुमराह को छोड़कर आपने शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों को लगा दिया, एक डेब्यू कर रहे हैं और एक दूसरा जो डाउन द लेग साइड गेंद कर रहे हैं, सो आई थिंक आपको एक ऐसा गेंदबाज चाहिए था साथ में सिराज या बुमराह में से जो अच्छी यॉर्कर्स डाल सके, जो वेरिएशन कर सके, लेकिन आपने दोनों नए नवेले गेंदबाजों को लगा दिया, तो ऐसे उनके पास हाथ खोलने का मौका मिल गया, और फिर उसके बाद एल्गर एक बार सेट हो जाए तो फिर उनका आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। सो आई थिंक वो जो पार्टनरशिप बनी और फिर एक एंड से विकेट जरूर गए, लेकिन डीन एल्गर एक चट्टान के जैसे खड़े रहे, डीन एल्गर की 186 रनों की ये पारी थी, अंकिता कैसे देखते हो यार? देखिए एक ऐसा बल्लेबाज जिन्हें शायद एक मौका मिला अपनी काबिलियत दिखाने का, हर एक बैट्समैन के लिए मौका होता है कि आप मैदान पर आइए और रन बनाइए, जैसे हमने देखा कि पहले इनिंग में केएल राहुल ने किया, 101 रन की शानदार पारी खेली,
अब यहाँ पर डीन एल्गर ने जिस तरीके से मोमेंटम चेंज किया, ये वक्त था जब उनके भी विकेट गिर रहे थे। आपने कहा कि 45 या 46 पर एक विकेट थे, देखिए 11 पर तो एक विकेट थे, लेकिन 79-78 पर उनके भी एक विकेट थे, लेकिन उसके बाद 100 रन हुए, उसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरते गए। लेकिन यहाँ पर डीन एल्गर ने जिस तरीके से पारी को संभाला, जिस तरीके से पारी की शुरुआत की, वो उसमें वो एंगर नजर आ रहा था और जीतने की ललक थी यहाँ पर मोनू। तो मेरे हिसाब से मार्को यांसन की भी तारीफ करनी बनती है, आज के मैच में नॉट आउट गए हैं वो, नॉट आउट गए और रन बनाए उन्होंने 84 बनाए हैं। और अगर हम स्कोर कार्ड की बात करें, जो फर्स्ट इनिंग में इंडिया का रहा था, तो इंडिया ने 245 बनाए थे, उसमें हाईएस्ट रन गेटर आपके केएल राहुल रहे थे जिन्होंने 100 बनाया था, और वन ऑफ द बेस्ट इनिंग मैं कहूंगा उसको। उसके अलावा जो सेकंड इनिंग में फिर साउथ अफ्रीका ने 408 बनाए थे, और उस 408 में दो तीन बड़ी पारियां आई थी, एक तो बैटिंग में एक नए बैट्समैन थे, उन्होंने भी 56 बना दिए, मार्को यांसन ने 84 बना दिए, 186 डीन एल्गर बना दिया। तो 408 जब आपके पास हो बोर्ड पर, तो प्रेशर ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया के पास ही होगा। और इंडिया ये मैच तो तकरीबन मैं कहता हूँ कि आप तीसरे दिन कहते हैं ना मूवमेंट मूविंग डे होता है यार, इस तरफ जाएगा उस तरफ जाएगा, फर्स्ट सेशन में ही पता चल गया था। आज फर्स्ट सेशन में मैच लग ही नहीं रहा था कि टेस्ट मैच टीम इंडिया खेल रही है, कहीं ना कहीं T20 और ODI की तरह लग रहा था कि सारे विकेट्स एक के बाद एक गिरते गए। और यहाँ पर थोड़ी सी मैं नाखुश हूँ रोहित शर्मा से, क्योंकि उनकी अप्रोच बहुत अच्छी होती है, आप टेस्ट मैच को भी आप वही एग्रेशन दिखाएंगे, वही अप्रोच दिखाएंगे, तो शायद मेरे लिए वो सही नहीं है। और यहाँ पर रोहित शर्मा को थोड़ा टिक कर खेलना चाहिए, पहली इनिंग में जो चौका लगाया उसके बाद ये लग रहा था कि शायद सेट बल्लेबाजी यहाँ पर करेंगे, लेकिन फिर से वही पुल शॉट बार बार आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी मुसीबत भी बन रहा है उनके लिए। कई फैंस भी हैं जो नाराज भी उनसे नजर आए, लेकिन कई फैंस उनके फेवर में भी नजर आए कि भाई उनके शॉट हैं, कोई भी बल्लेबाज जो होता है वो अपना पसंदीदा शॉट खेलता है। तो रोहित शर्मा पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि आज भी शून्य पर आउट हुए, अच्छा नहीं लगता है ऐसे? अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि जब रन आते हैं तो सब चीजें अच्छी लगती हैं, जब आपके डिसमिसल्स आते हैं और इस तरीके से, देखिए आउट होने कोई भी आउट हो सकता है, लेकिन तरीका जो आपने बार बार बात की, पुल शॉट खेलना या सेकंड इनिंग में आप देख लीजिए रबाड़ा गेंद को, थोड़ा सा वही गेंद की लाइन मिस करना, वो दिक्कत है रोहित के साथ। और रोहित, उम्मीदें बड़ी थी कि रोहित आफ्टर वर्ल्ड कप के बाद कमबैक करेंगे, लेकिन अच्छा कमबैक करेंगे, लेकिन वैसा कमबैक तो नहीं किया यार। और क्योंकि शुभमन गिल भी अक्रॉस द लाइन खेलकर शॉट आउट हुए हैं, यशस्वी जायसवाल वो अनप्लेबल ड्यूरिंग थी हम सब जानते हैं, लेकिन जायसवाल को मौका मिला था यार, एक कैच छूटा था, तो आई थिंक जायसवाल को मौका चाहिए। इसके अलावा शुभमन गिल हमने देखा कि टेस्ट मैच में उनके काफी टाइम से एक अच्छी इनिंग देखने को नहीं मिली है, पिछले 5 टेस्ट मैचों में देखोगे ना, WTC फाइनल भी आ गया उसमें, वो बड़ी पारी आई नहीं है उनके बल्ले से। सो आई थिंक कई सारे सवाल हैं इस हार में, लेकिन दो तीन चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है पर्सनली यार, ये चीजें, आप यहाँ पर इंडिया पीछे रह गया, एक तो बुमराह और सिराज को छोड़कर किसी भी गेंदबाज में वो विकेट टेकिंग एबिलिटी मुझे तो नजर नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो या शार्दुल ठाकुर हो। अश्विन ठीक है, अश्विन का मैं बुरा नहीं कहूंगा, 19 ओवर में 42 रन दिए, एक विकेट लिया उन्होंने, लेकिन आप शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी देख लीजिए, प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी देख लीजिए, इनको विकेट सिर्फ 2 मिले हैं, लेकिन इन्होंने तकरीबन 200 के आसपास रन दे दिए हैं। अब बताओ, सिर्फ 2 विकेट इनको मिले हैं। और उस तरफ देखो, सिराज और बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन उनको एक साथ चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस हार में ना शमी की कमी खली है, मोहम्मद शमी का बिल्कुल, शमी की यहाँ पर बिल्कुल खली है कमी, क्योंकि शमी एक ऐसे गेंदबाजी उनकी लय है ना, कि वो हमें एक विश्वास होता है कि भाई अब शमी आएंगे यहाँ पर विकेट आने वाला है, वो यहाँ पर इस मैच में कहीं ना कहीं कमी उनकी खली है। लेकिन देखिए, अगर आपने कहा ना कि सीरीज यहाँ पर बराबरी की होती है, तब भी हम वो सपना नहीं जीत पाएंगे जो सपना हमने 31 साल पहले देखा था, कि भाई द्रविड़ की कप्तानी हो चाहे MS धोनी की कप्तानी हो, यहाँ पर किसी भी कप्तान ने इस सरजमी पे मुकाबला नहीं जीता है। और शायद ये भी अब यहाँ पर प्रूफ होगा कि भाई रोहित शर्मा की कप्तानी में भी हम ये मैच नहीं जीत पाएंगे, ड्रॉ होता है तो चलिए वो भी आप हार ही गए, 1-0 से हो जाएंगे बिल्कुल, तो और अगर बराबरी होती है फिर भी आप जीत नहीं पाएंगे, वो इक्वल हो जाएगा, तो वो कसक तो रहेगी और देखते हैं कब वो कसक मिटती है। लेकिन यहाँ पर आपने कहा कि गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई, मैं कहूंगी कि दोनों ही, चाहे वो गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो, वहां पर टीम इंडिया का वो अप्रोच नजर नहीं आया। आप टेस्ट मैच खेलते हैं, आपको लगता है कि स्टार्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्टार्टिंग अगर अच्छी होती है ना मोनू, तो अंत भी बहुत अच्छा होता है। हमने देखा है कि अगर स्टार्टिंग रोहित शर्मा का विकेट गिरा, उसके बाद जायसवाल भी आउट हुए, पहले इनिंग में भी हमने यही देखा था कि पहले रोहित का विकेट गिरता है, उसके बाद एक के बाद विकेट्स गिरते हैं। उम्मीद रहती है तो सिर्फ और सिर्फ एक बल्लेबाज से, वो है विराट कोहली, लेकिन अकेला इंसान कब तक आपकी नहीं आ पाती। देखो वही बात आती है ना यार, अकेला मैच क्या कर सकता है, अकेला थोड़ा बहुत आपको सुटेबल कंडीशंस दे सकता है, लेकिन मैच जीतने के लिए आपको 2-3 बैट्समैनों के रन आने बहुत जरूरी थे। और ये मैच तो मैं कह रहा हूँ तीसरा दिन, आज जो आपने सेशन किया, आपने इनफैक्ट बोला था यार मोनू बड़ा मुश्किल लगता है, मैंने कहा क्यों,
यार आप 150 की लीड अगर आप दे दोगे दूसरी टीम को तो फिर वो कहां से कमबैक होगा। और आप याद कीजिए हिस्ट्री में क्रिकेट की, टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में बता रहा हूं मैं, आपने दो बार ऐसे मौके आए हैं, एक 2001 में कोलकाता टेस्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, दो उस वक्त ऐसा था अंकिता कि आपने 150 प्लस की लीड दे दी थी तब भी टीम ने कमबैक कर लिया था, और एक 1986 में हुआ था मेलबर्न में शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि वहां भी इंडिया ने कमबैक कर लिया था। बट इस तरह के कमबैक बार बार होते नहीं है, सिर्फ दो बार ही हुए क्रिकेट हिस्ट्री में। अब 150 की लीड आपने दे दी है, मैच तो आप तभी हार गए थे, मैच तो आप आते ही हार गए तीसरे दिन, वो तो ये ठीक है कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज थी कि आज काश रोहित ऐसे कर देते या गिल बैटिंग कर लेते, लेकिन एक विराट ने बैटिंग की है जिन्होंने थोड़ा वो टेम्परामेंट दिखाया है विकेट पर खड़े होने का, लेकिन अंकित ने ठीक कहा वो अकेले क्या करते बेचारे, और तब तक तो बहुत लेट हो गए थे। अब हाल ये है कि इंडिया पारी और 32 रनों से हारा है ये मैच, और करारी हार है, ये हार ना भूलने वाली हार है, क्योंकि देखिए हारने को हार सकते लेकिन एक पारी से हारेंगे इस तरीके का मुझे तो नहीं लगा था यार। और वो भी साउथ अफ्रीका की बैटिंग अच्छी है लेकिन इनएक्सपीरियंस है वो भी, उसमें मार्करम की अच्छी बैटिंग है, आपके डीन एल्कर हैं, तेंबा वुमो बैटिंग करने ही नहीं आए, वो तो बैटिंग करने ही नहीं आए, सोचो अगर वो बैटिंग करने आते तो क्या होता। सो आई थिंक उसके बाद भी इन एक्सपीरियंस के साथ डीन एल्कर की जितनी तारीफ करें उतनी कम, क्योंकि उन्होंने टेल के साथ मिलकर रन बनाए, उन्होंने पार्टनरशिप की, वो चौके के लिए नहीं गए थे। यहां पर मोनू वर्ल्ड कप के बाद कई सारे ऐसे बैट्समैन हैं जिनका एक आराम के बाद उनका कमबैक हुआ, चाहे हम विराट कोहली की बात करूं, चाहे मैं रोहित की बात करूं, अय्यर की बात करूं, केएल राहुल भी थे यहां पर, तो लगातार हमारे पास शुभमन गिल का नाम भी यहां पर है, तो कई सारे ऐसे बैट्समैन हैं जिनका वर्ल्ड कप के बाद एक आराम के बाद यहां पर वापसी हुई थी और हम उम्मीद कर रहे थे कि फ्रेश वापसी होगी, लेकिन यहां पर निराश किया है सभी बैट्समैन ने। गेंदबाजी बहुत ही, मैं कहूंगी कि दो अगर गेंदबाजों को छोड़ दिया जाए, चाहे वो बुमराह हो या फिर यहां पर सिराज हो, उनकी गेंदबाजी के अलावा किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं रहा है जिन्होंने एक विकेट लिया हो अच्छी तरीके से। आप बहुत सारे रन्स दे देते हैं, उसमें से एक विकेट आता है, मैं उसको गिनती नहीं, उसकी मैं काउंट नहीं करती उस विकेट की। लेकिन यार देखिए अंकिता, इस हार में ना आप ठीक है गेंदबाजों की आप कहते हो, लेकिन बैटिंग में भी आपने लेट डाउन किया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यार एक केएल राहुल की इनिंग छोड़ दें, एक विराट की इनिंग छोड़ दें, अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक 50 तक भी नहीं है यार, 50 रन तक भी नहीं है, तो आप कैसे मैच जीतोगे। और ओवरसीज कंडीशन बिल्कुल आपने ठीक कहा, अगर आप मैच जीतोगे तो आपको गेंदबाज मैच जितवाएंगे, लेकिन ठीक है आप ये मैच हारे हो। अब अगले मैच में अंकिता आपको क्या लगता है, क्या कोई चेंजेस होगा? मुझे तो लगता है यार होना चाहिए, देखिए चेंजेस यहाँ पर होने चाहिए डेफिनेटली, मेरे हिसाब से शायद गेंदबाजी में चेंजेस होने चाहिए। शार्दुल ठाकुर आपको विकेट तो दिलवाते हैं लेकिन वो रन इतने ज्यादा खा जाते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी वो पारी, मैं गेंदबाजी की बात करूँ वहां पर भी और बल्ले से भी बात करूँ वहां पर भी वो खास दमखम दिखाते नजर नहीं आए, तो शायद यहाँ पर जो मैच सेकेंड मैच होगा वहां पर थोड़ी सी चेंजेस की यहाँ पर बात हो सकती है, रोहित शर्मा कुछ या फिर राहुल द्रविड़ जो है वो कुछ अच्छा फैसला ले सकते हैं। आपको भी लगता है क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा का खिलाना टीम इंडिया के लिए थोड़ा महंगा पड़ा, मुझे ऐसा लगता है अगर जडेजा होते तो वो बैटिंग भी कर लेते, बॉलिंग भी कर लेते, मैं ये नहीं कहता कि विकेट ले लेते, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा जैसा हाल तो नहीं करवाते, क्योंकि उन्होंने तो 5 की कम मिस किया। वर्ल्ड कप वाली जो टीम थी वही उसी टीम को यहां पर खिलाना चाहिए था, शायद वो मिस हम कर रहे हैं, लेकिन चलिए यहां पर बहुत सारे यहां पर एक तरीके से हम कहते हैं ना कि वही बैट्समैन वही बल्लेबाजी गेंदबाज कब तक मैच को खेलेगा, तो यहाँ पर मौका मिलता है लेकिन मौके को शायद वो भुना नहीं पाते। चाहे आपने कहा जायसवाल के पास मौका था, आपने मौका था। टेस्ट मैच खेला भी है वहां पर, अच्छी पारियां भी खेली आपने, लेकिन यहाँ पर बल्ला ना चलना कहीं ना कहीं उनके लिए भी चिंता का विषय, क्योंकि रिप्लेसमेंट बहुत सारे हमारे पास हैं, लेकिन बहुत सारे अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो वो साउथ अफ्रीका के लिए हैं। ककिसो रबाडा ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, क्योंकि उन्होंने 500 विकेट तो हर फॉर्मेट में लिए, लेकिन वो जो गेंद पकड़ के जो टप्पा पड़े गेंदबाजी की है उन्होंने कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए परेशानी खड़ी की, क्योंकि एक पारी 5 विकेट लिए फिर उसके बाद 2 विकेट लिए। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से यार आज का मैन ऑफ द मैच कौन बनता है इस मुकाबले में? 3 ऑप्शन है आपके पास, डीन एल्कर जिन्होंने 186 बनाए, मार्को यानसन जिन्होंने 84 बनाए उसके बाद 7 विकेट भी लिए, उन्होंने भी अच्छी खासी विकेट ली है, और ककिसो रबाडा वो जो स्पेल डाला था ना पहला वाला उसने तो मतलब बुंदिया उड़ा दी थी। देखिए मेरे हिसाब से डीन एल्कर को जाएगा, क्योंकि आप स्कोर बोर्ड पे अच्छा खासा रन अगर लगा देते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप मैच वहीं पर जीत जाते हैं, तो 408 अगर आपने एक पारी में लगा दिए रन तो मेरे हिसाब से डीन एल्कर होंगे। डीन एल्कर आपके हिसाब से? मुझे भी डीन एल्कर लगता है, क्योंकि यार 186 बहुत, अगर 186 हटा दोगे तो फिर कुछ नहीं है, बिल्कुल, तो इसलिए मुझे भी डीन एल्कर ही लगता है। तो फिलहाल खबर ये सेंचुरियन से कि टीम इंडिया एक पारी और 32 रनों से मुकाबला हार गया है, और अब सीरीज का दूसरा मुकाबला 3 जनवरी को खेला जाएगा, और ये मुकाबला केप टाउन में, उस मैच का हाल लेकर भी आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।